एडिट फोटो, एनहांस। फोटो को एनहांस या कलर करेक्शन देने के लिए फोटो को सिलेक्ट करें और एडिट फोटो टैब में से एनहांस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। बेसिक फिल्टर्स में बीसीजी ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। यहाँ से आप फोटोज की ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और गामा एडजस्ट कर सकते हैं। ब्रश साइज और फेदर यहाँ से एडजस्ट कीजिए। करेक्शन मोड एक्टिवेट करने के लिए कंट्रोल की को प्रेस करके रखिए। अब अपनी जरूरत के अनुसार करेक्शन कीजिए। करेक्शन को रीसेट करने के लिए शिफ्ट की प्रेस करिए। आपको ये करेक्शन टूल हर इफेक्ट में अवेलेबल है। रीसेट ऑल बटन से चेंजेस को रीसेट कर सकते हैं। आरजीबी ऑप्शन से फोटोज की रेड, ग्रीन और ब्लू वैल्यूज एडजस्ट कीजिए। रीसेट ऑल बटन से चेंजेस को रीसेट कर सकते हैं। कर्व ऑप्शन से आप फोटोज को बड़ी आसानी से एनहांस और कलर करेक्ट कर सकते हैं। लोड ओरिजिनल ऑप्शन से आप फोटोज को लोड कर सकते हैं। लेवल ऑप्शन से आप फोटोज के टोनल रेंज और कलर बैलेंस एडजस्ट कर सकते हैं। ब्लर इफेक्ट से फोटो को ब्लर कर सकते हैं। फोटो को कलराइज इफेक्ट देने के लिए कलर पिकर से पूरे स्क्रीन से कोई भी कलर पिक कर सकते हैं और उसे फोटो पे अप्लाई कर सकते हैं। कलर की ओपेसिटी और कलर लेवल इस ओपेसिटी और लेवल ऑप्शन से मैनेज कीजिए। फेदर ऑप्शन से फोटो को फेदर इफेक्ट दे सकते हैं। चेंजेस को रीसेट करने के लिए रीसेट बटन यूज कीजिए। ओपेसिटी ऑप्शन से फोटो पे ओपेसिटी अप्लाई कीजिए। क्रॉप ऑप्शन से फोटोज को क्रॉप कर सकते हैं। अपने फोटोज की ओरिएंटेशन के मुताबिक लैंडस्केप या पोर्ट्रेट ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। एस्पेक्ट रेशो टैब में रेशो सिलेक्ट कीजिए। फ्री हैंड क्रॉपिंग करने के लिए मेंटेन एस्पेक्ट रेशो के चेकबॉक्स को अनचेक कीजिए। इस तरह से क्रॉपिंग कीजिए। यहाँ से विड्थ और हाइट डिफाइन कीजिए। फोटो की एक्चुअल डीपीआई यहाँ दिखाई देगी। यूनिट्स यहाँ से सेट कीजिए। फोटो को रोटेट करने के लिए रोटेट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। फोटो की एंगल यहाँ से एडजस्ट कीजिए। ग्रिड लाइंस आपको फोटो रोटेट करने के लिए गाइड करेंगी। ग्रिड लाइंस को रिमूव करने के लिए शो ग्रिड चेकबॉक्स को अनचेक कीजिए। अलग अलग तरह के आर्टिस्टिक फिल्टर्स यूज करने के लिए आर्टिस्टिक फिल्टर्स में जाइए। एल्बम एक्सप्रेस में आपको मोजैक, रिपल, शिफ्ट, स्प्लैश, इम्प्लोड, स्वर्ल, इल्यूजन, 3D ग्रिड, सॉफ्ट लेंस, ऑयल पेंट, सेपिया और चारकोल ड्रॉइंग ये आर्टिस्टिक फिल्टर्स दिए गए हैं। फोटो को सेपिया इफेक्ट देने के लिए इस चेकबॉक्स को चेक कीजिए। लोड ओरिजिनल ऑप्शन से ओरिजिनल इमेज को लोड कीजिए। फोटोशॉप में बनाए गए थर्ड पार्टी प्लगइन्स को एल्बम एक्सप्रेस सपोर्ट करता है। थर्ड पार्टी प्लगइन्स को एल्बम एक्सप्रेस में इंपोर्ट करने के लिए एडवांस फिल्टर्स में जाइए और इंपोर्ट प्लगइन्स ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ से आप थर्ड पार्टी प्लगइन्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। सारे चेंजेस करने के बाद अगर आप ओरिजिनल फोटो को इस फोटो से रिप्लेस करना चाहते हैं तो सेव पर क्लिक करें या फिर फोटो की नई कॉपी तैयार करने के लिए सेव एज पर क्लिक करें। फाइल को नाम दीजिए और ओके बटन पर क्लिक कीजिए। लासो। फोटो को लासो कटिंग करने के लिए फोटो को पहले सिलेक्ट कीजिए और एडिट फोटो टैब से लासो ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। लासो कटिंग करने के लिए इस तरह से पाथ सिलेक्ट कीजिए। अगर आपके द्वारा कोई गलत पाथ सिलेक्ट किया गया है तो राइट क्लिक करके पीछे जाइए। सिलेक्ट किए हुए पाथ से कोई भी अनवांटेड लेयर हटाने के लिए इन्वर्ट लेयर का प्रयोग कीजिए। चेंजेस को देखने के लिए आफ्टर बटन पे क्लिक कीजिए। लासो कटिंग को सेव करने के लिए सेव एज बटन पे क्लिक कीजिए। फाइल को नाम दीजिए और ओके पे क्लिक कीजिए। क्रोमा। फोटो को क्रोमा इफेक्ट देने के लिए फोटो को सिलेक्ट कीजिए और एडिट फोटो टैब में जाकर क्रोमा ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। कलर पिकर टूल से इस प्रकार से क्रोमा कलर सिलेक्ट कीजिए। आप आपके फोटो का फेदर और टॉलरेंस यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। आप करेक्शन टूल की ब्रश साइज और फेदर यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। करेक्शन मोड को एक्टिवेट करने के लिए कंट्रोल की प्रेस करके रखिए। शिफ्ट की प्रेस करके आप करेक्शन को रिसेट भी कर सकते हैं।
सारे चेंजेस को अप्लाई करने के बाद सेव एस पे क्लिक करके फोटो की एक कॉपी क्रिएट कीजिए। फाइल को नाम दीजिए और ओके पे क्लिक कीजिए। अगर आप फोटो में से कोई अनचाहा हिस्सा इरेज करना चाहते हैं, तो फोटो को सिलेक्ट कीजिए और एडिट फोटो टैब से इरेजर ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। यहाँ आप ब्रश साइज एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप फेदर और ओपेसिटी भी एडजस्ट कर सकते हैं। जिस एरिया को आप इरेज करना चाहते हैं, उस पे लेफ्ट क्लिक कीजिए। करेक्शन मोड एक्टिवेट करने के लिए कंट्रोल की प्रेस करके रखिए। इरेज किए हुए फोटो को पुराने फोटो से रिप्लेस करने के लिए सेव ऑप्शन यूज कीजिए और इरेज किए हुए फोटो की नई कॉपी क्रिएट करने के लिए सेव एज ऑप्शन यूज कीजिए। फाइल को नाम दीजिए और ओके पे क्लिक कीजिए। फोटो को टचअप देने के लिए फोटो को सिलेक्ट कीजिए और एडिट फोटो टैब से टचअप ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। आप ब्रश साइज सेट कर सकते हैं। फोटो की फेदर और ओपेसिटी आप बड़ी ही आसानी से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ऑल्ट प्लस क्लिक करके क्लोन पॉइंट सिलेक्ट कीजिए। अब फोटो को टचअप दीजिए। करेक्शन मोड को एक्टिवेट करने के लिए कंट्रोल की प्रेस करके रखिए। सारे चेंजेस को अप्लाई करने के बाद सेव एस पर क्लिक करके फोटो की एक कॉपी क्रिएट कीजिए। फाइल को नाम दीजिए और ओके पे क्लिक कीजिए। हाईलाइट, फोटो का सिर्फ कोई हिस्सा हाईलाइट करने के लिए फोटो को सिलेक्ट कीजिए। एडिट फोटो टैब में जाकर हाईलाइटर ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। यहाँ आप ब्रश साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप फेदर और ओपेसिटी भी एडजस्ट कर सकते हैं। आप जो एरिया हाईलाइट करना चाहते हैं, उस पे लेफ्ट क्लिक कीजिए। करेक्शन मोड एक्टिवेट करने के लिए कंट्रोल की प्रेस करके रखिए। हाईलाइट किए हुए फोटो को पुराने फोटो के साथ बदलने के लिए सेव ऑप्शन का उपयोग करें और फोटो की नई कॉपी क्रिएट करने के लिए सेव एज ऑप्शन का यूज करें। फाइल को नाम दीजिए और ओके पे क्लिक कीजिए। कोई भी फोटो को फोटोशॉप में एडिट करने के लिए फोटो को सिलेक्ट कीजिए और एडिट फोटो टैब से फोटोशॉप ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। ये ऑप्शन केवल